सो गाइस आज की इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले एक और न्यू प्रॉब्लम के बारे में, जो कि गाइस आप लोग को इंस्टाग्राम के अंदर हो रहा होगा। जैसे गाइस आप लोग अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद जैसे आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो आप लोग यहाँ पे 3 लाइन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का। ठीक है, ये जो ऑप्शन है काफी सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत कर रहा है और इसको आप लोग हटाना चाहते हो, इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हो और फुआना जो सेटिंग था गाइस आप लोग को वो वाला चाहिए। ठीक है, तो वो सेटिंग में आप लोग कैसे जा सकते हो, वो सेटिंग को कैसे अपने आईडी के अंदर ला सकते हो, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को वीडियो को जरा सर्विस की मत करना, लेकिन उससे पहले इतने बजे चैनल पे नहीं, फिर पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में कि इसको आप लोग ठीक कैसे कर पाओगे। तो गाइस देखो यहाँ पे आप लोग सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आप लोग को न्यू वर्जन में सब कुछ देखने को मिल जाता है और जितना भी चीज था गाइस सबको यहाँ पे आप लोग को शो कर दिया जाएगा जितना भी कुछ था। ठीक है, पहले गाइस अलग अलग जगह में सब कुछ देखने को मिलता था लेकिन आप लोगों को अब यहाँ पे एक ही जगह पे कर दिया है जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में मैं थोड़ा देर में पूरा एकदम फोल्डर के साथ वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या सेटिंग यहाँ पे क्या हुआ किससे क्या होगा सब कुछ गाइस आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करना, वीडियो को जो आने वाला है उस वीडियो को देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो गाइस देखो इस वाले सेटिंग को आप लोग रिमूव कैसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसको आप लोग रिमूव कैसे कर सकते हो या फिर इसको हटा कैसे सकते हो। ठीक है, तो गाइस देखो सेटिंग एंड प्राइवेसी का जो ऑप्शन मिल रहा है इसको आप लोग एक ही तरीके से हटा सकती हो। अगर गाइस देखो आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन नहीं आया ना तो आप लोग ना प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करना इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम सर्च करना। ठीक है, इंस्टाग्राम जैसे आप लोग इंस्टाग्राम लिख के सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे आप लोगों का इंस्टाग्राम आएगा और यहाँ पे अगर आपको अपडेट मांगेगा इंस्टाग्राम अगर आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन नहीं आया तो। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने अपडेट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया आपका यहाँ पुराना वाला सेटिंग आ रहा है तो आप लोग अपडेट मत करना, आपका अगर अपडेट करोगे तो आपका न्यू सेटिंग आ जाएगा। ठीक है, जिन जिन लोगों का न्यू सेटिंग आ गया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके पास ओल्ड वर्जन है ठीक है पुराना वर्जन है ना उसको आप लोग ले लेना, उसका फ़ोन से वो इंस्टाग्राम को लेना, उसको इंस्टॉल करना तो आपको पुराना वाला सेटिंग आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें न्यू सेटिंग हटाने के बारे में तो गाइस देखो न्यू सेटिंग को आप लोग नहीं हटा पाओगे क्योंकि ये ऑफिशियल यहाँ पे इंस्टाग्राम अपडेट हुआ है जिस कारण से आप लोगों को ये वाला सेटिंग देखो मिल रहा है। ठीक है, अगर ये सेटिंग आपको हटाना है तो आपको ओल्ड वर्जन का जो इंस्टाग्राम है उसको यूज करना पड़ेगा तभी गाइस आप लोग ओल्ड वाला जो चीज है ना उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, बाकी गाइस देखो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे गाइस आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जो कि न्यू डिजाइन किया हुआ एकदम बेहतरीन है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है इसका सेटिंग के बारे में तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी गाइस देखो थोड़ा देर में वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा इसके बारे में, आपको ए टू जेड समझा दूंगा कि इससे इसको ऑन करोगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आने वाला वीडियो आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर देना, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब बाकी बात करें यार काफी सारे लोग सोचते हैं यार ओल्ड वर्जन इंस्टाग्राम यूज करने के लिए तो कैसे कर पाएंगे आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना, अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है MICHAEL। ठीक है, माइकल, ठीक है इंग्लिश में लिखना, ठीक है माइकल राजा लिखना, ठीक है राजा और 23 लिखना। ठीक है, माइकल राजा 23 जैसे लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे आएगा माइकल राजा और नीचे लिखा आएगा गेमिंग माइकल राजा। ठीक है, मेरा देखो माइकल राजा से नाम से कितना सारा आईडी बना हुआ है, तो भाई जो रेड कलर और ब्लैक कलर का ये जो लोगों के साथ देखो मिला इस वाले को ही ओपन करना। तो इसको ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा और देखो यहाँ पे मिलेगा एक BIT लिंक। ठीक है, BIT लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे ना तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे गाइस एक वेबसाइट सजेस्ट किया है मैंने जहाँ पे गाइस आप लोगों को ओल्ड वर्जन का जो इंस्टाग्राम है वो मिल जाएगा। इस वाले वेबसाइट के अंदर जाना और यहाँ पे वेबसाइट के अंदर जाने का तो सर्च करना है इंस्टाग्राम और वहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगा, उस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा और जाने के बाद आप लोगों को जो प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व हो जाएगा और ओल्ड वर्जन का जो इंस्टाग्राम है वहीं से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और वीडियो बना के भी बता दूंगा। ठीक है, बाकी चलो गाइस आज की इस वीडियो अंदर बस इतना था, आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, चैन वंदे मातरम।